प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है डिजिटल लर्निंग में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, वो है एडोब फोटोशॉप की पैलेट्स को लेकर, यानी कि इसके वर्किंग एनवायरनमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, कैसे कैसे इसके अंदर काम करेंगे, उस वर्किंग एनवायरनमेंट की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, और कैसे काम होता है इस वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर, वो भी प्रैक्टिकली हम साथ साथ में करते चलेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका नेविगेटर। अब इसका जो फर्स्ट पैलेट है वो है नेविगेटर का, नेविगेशन करना, डायरेक्शन करना। ठीक है, द नेविगेटर पैलेट अलाउ यू टू रीसाइज द इमेज बाय स्पेसिफाइंग इमेज वैल्यूज और बाय ड्रैगिंग द स्लाइडर। अब इसका जो नेविगेटर पैलेट है वो हमें अलाउ करता है कि हम इमेज को रिसाइज करें बाय स्पेसिफाइंग इमेज वैल्यूज। दो तरीके हैं, या तो हम इमेज की वैल्यू डाल सकते हैं, या फिर इसके स्लाइडर को ड्रैग करके भी। ठीक है, चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं एडोब फोटोशॉप। तो ये है इसका वर्किंग एनवायरनमेंट। ठीक है, ये यहाँ पे इसके मेन्यूज हैं, ये इसकी स्टैंडर्ड टूल बार भी है, यानी कि इस टूल बॉक्स के जो भी टूल्स सेलेक्ट होंगे उससे रिलेटेड सारी की सारी सेटिंग यहाँ पे डिस्प्ले होगी। यहाँ पे इसका नेविगेटर पैलेट। ठीक है, हम बात कर रहे हैं नेविगेटर पैलेट की। तो इसका काम है इमेज को रीसाइज करना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक इमेज ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, इस इमेज को कर लेते हैं यहाँ पे ओपन। अब देखो ये है यहाँ पे, यहाँ पे हम दो तरीके से इमेज को रिसाइज कर सकते हैं, या तो बाय एंटरिंग द बाय स्पेसिफाइंग द वैल्यू। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे 50 डाला तो ये देखो इमेज का साइज छोटा हो गया, या फिर बाय ड्रैगिंग द स्लाइडर। ठीक है, यहाँ पे आपको इमेज के जो पिक्सल है ना वो भी नजर आएंगे, जेपीजी, जिन पिक्सल्स की हम बात कर रहे थे ना, ये देखो बन रहे हैं ना स्क्वेयर कलर्ड स्क्वेयर डॉट बन रहे हैं यहाँ पे, ये देखो पिक्सल्स, बहुत सारे पिक्सल्स मिलकर यहाँ पे इमेज यानी कि स्क्रीन का रेजोल्यूशन बना रहे हैं, यानी कि पूरी की पूरी इमेज का रेजोल्यूशन बना रहे हैं। ये देखो ये काम है नेविगेटर पैलेट का। ठीक है, ये नेविगेटर पैलेट है। चलिए अब चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। हमारा सेकंड पॉइंट है कलर स्वेचेस और स्टाइल। ये तीनों की तीनों पैलेट इकट्ठी है। ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं कलर पैलेट। द कलर पैलेट डिस्प्ले द करंट फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर एंड आरजीबी वैल्यू फॉर दीज कलर्स। ठीक है, अब ये जो कलर पैलेट है ना, ये डिस्प्ले करेगा करंट जो फोरग्राउंड, यानी कि फोरग्राउंड और बैकग्राउंड क्या होते हैं ना, जो भी फ्रंट वाला जो इमेज का जो पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं फोरग्राउंड, और जो बैक में आता है उसको हम बैकग्राउंड बोल देते हैं, पृष्ठभाग या अग्रभाग जो होता है। ठीक है, तो ये जो कलर पैलेट है वो उन सारे कलर्स को डिस्प्ले करती है, उन आरजीबी वैल्यूज को भी ये डिस्प्ले करती है। ठीक है, आरजीबी में भी डिस्प्ले करती है और कलर्स भी डिस्प्ले करती है फोरग्राउंड और बैकग्राउंड के लिए। वी कैन स्पेसिफाई दीज आरजीबी वैल्यूज और कैन चेंज बाय ड्रैगिंग द स्लाइडर। सेम यहाँ पे भी, वी कैन स्पेसिफाई दीज आरजीबी वैल्यूज और बाय ड्रैगिंग द स्लाइडर। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ये आ गया हमारा यहाँ पे कलर पैलेट। ठीक है, यहाँ पे इसके जो आर जी बी कलर डिस्प्ले हो रहे हैं, यहाँ पे ये हैं इनकी वैल्यूज, इनको हम बाय ड्रैगिंग द स्लाइडर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये जिसके लिए चेंज कर रहे हैं ना, ये देखो पहले तो मैं आपको फोरग्राउंड और बैकग्राउंड बता देता हूँ। ठीक है, ये जो आर है ये होती है बैकग्राउंड, ठीक है, और ये होती है फोरग्राउंड। ठीक है, यहाँ पे भी डिस्प्ले होते हैं, ये बैकग्राउंड और ये फोरग्राउंड। यहाँ पे इमेज में ऐसे क्लियर नहीं होगा, जैसे मैं यहाँ पे एक नई फ्रेम ओपन करता हूँ। ठीक है, न्यू बैकग्राउंड कलर में और साइज ये, ओके, ये देखो ये जो नया फ्रेम ओपन हुआ यहाँ पे, या एक नई इमेज ओपन हुई यहाँ पे, ये देखो ये है इसका बैकग्राउंड कलर। और फोरग्राउंड कलर कहने का मतलब है यहाँ पे हम जो भी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे वो इस कलर में आएगा, ये होती है फोरग्राउंड, यानी कि पेज का जो अग्रभाग है और एक पृष्ठ भाग जो है। ठीक है, ये बैक साइड है, बैकग्राउंड है, ये इसका फोरग्राउंड है। ठीक है, तो ये है बैकग्राउंड फोरग्राउंड, तो इनकी सेटिंग हम यहाँ से कर सकते हैं इन कलर्स की। ठीक है, ये अभी मैंने जो चेंज किया ना, मान लो आपने
फोरग्राउंड के कलर चेंज करने, तो फोरग्राउंड को सिलेक्ट करना है, ठीक है, और बैकग्राउंड का चेंज करना है तो बैकग्राउंड को, ठीक है, ये बैकग्राउंड की सेटिंग है, ये फोरग्राउंड की सेटिंग है ये। अब जैसे हम नया पेज लेंगे उसके लिए ये सेटिंग जो है वो वैलिड रहेगी, ठीक है। न्यू, नया पेज लिया, ओके, ये देखो इसमें आया। अब यहाँ पे हम जो भी ड्रॉ करेंगे वो ये वाली सेटिंग उसके ऊपर अप्लाई होगी, यानी कि ये फ्रेम के लिए अलग से रहा और इस फ्रेम के लिए अलग से रही सेटिंग, ठीक है। तो ये है फोरग्राउंड और बैकग्राउंड, और ये हमारी कलर पैलेट। सेम वैसे ही स्वेचेज हैं, इसके अंदर भी सेम वैसे ही कलर्स अवेलेबल होते हैं, इनको भी हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। सेम वैसे ही जैसे फोरग्राउंड और बैकग्राउंड यहाँ पे आ रही है ना, तो ये देखो ये है फोरग्राउंड का कलर, यहाँ पे हम ऐसे इस तरह से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, और ये जो है ये बैकग्राउंड का, बैकग्राउंड का भी हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी कलर पिकर है, कलर पिकर का यूज़ करके भी हम इसको चेंज कर सकते हैं, और इस तरह से हम स्विचिंग भी कर सकते हैं, फोरग्राउंड को बैकग्राउंड और बैकग्राउंड को फोरग्राउंड बना सकते हैं इस स्विच से, ठीक है। अब यहाँ पे हम नया पेज जोड़ लेंगे तो उसके लिए ये सेटिंग जो है वो वैलिड हो जाएगी, ये देखो, ठीक है। अब इसके ऊपर भी जो कुछ हम पेस्ट करेंगे इस तरह से, तो ये बैकग्राउंड और ये फोरग्राउंड। अब बात करते हैं स्टाइल्स की, तो स्टाइल पैलेट भी इनके साथ में ही है, तो स्टाइल का भी सेम वैसे ही है, ठीक है। अब स्टाइल जो हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं तरह तरह के, जैसे मान लो यहाँ पे हम एक और ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये वाला स्टाइल सेलेक्ट कर लिया, तो ये देखो ऑब्जेक्ट की जो स्टाइलिंग है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसमें चाहिए तो इसको सेलेक्ट कर लो, तो इस तरह से जो है स्टाइल पैलेट्स भी साथ में। ये था नेविगेटर और ये थी कलर स्विचेस और स्टाइल पैलेट्स। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, ठीक है। कलर भी हो गए, स्वेचेस दी, स्वेचेस पैलेट अलाउ यू टू चूज फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर फ्रॉम द कलर लाइब्रेरी। तो इसका भी सेम वही काम था कि फोरग्राउंड और बैकग्राउंड के लिए कलर चूज करना फ्रॉम द कलर लाइब्रेरी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टाइल्स। अब जो स्टाइल्स है, दी स्टाइल पैलेट अलाउ यू टू चेंज लेयर स्टाइल विद प्रीसेट लेयर स्टाइल्स। प्री सेट मतलब पहले से बने बनाए हुए, पहले से सेट किए हुए हैं लेयर स्टाइल से, ठीक है। तो इनके इनकी हेल्प से भी हम लेयर के जो स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने अभी किए, ठीक है। तीनों ही पैलेट्स को हमने यूज कर लिया है, कलर को भी यूज किया, स्वेचेस को भी यूज किया और स्टाइल पैलेट को भी हमने यूज कर लिया, ठीक है। स्टाइल वाला जो था वो यहाँ पे था, साथ में प्री सेट लेयर स्टाइल है ऑलरेडी, उनका काम भी फोरग्राउंड और बैकग्राउंड के कलर को चेंज करना है, ठीक है। अब थर्ड पे आता है हिस्ट्री पैलेट, सबसे इंपॉर्टेंट है ये हिस्ट्री वाला। द हिस्ट्री पैलेट स्टोर्स ईच एक्शन परफॉर्म्ड इन रीसेंट स्टेज, ठीक है। अब जो हिस्ट्री पैलेट है ना, अब नाम से पता चल रहा है कि ये हिस्ट्री को स्टोर करेगी, हमने जितना भी काम कर लिया ना इसके अंदर एडोब फोटोशॉप के अंदर, वो सारा का सारा हिस्ट्री पैलेट जो है वो स्टोर करती जाती है। कहने का मतलब है इट स्टोर ईच एक्शन परफॉर्म्ड इन रीसेंट स्टेज, पिछले जितने स्टेजेस में हमने जितने भी एक्शन परफॉर्म्ड किए वो सबको स्टोर करके रखती है, ठीक है। द हिस्ट्री पैलेट कैन स्टोर अप टू 20 स्टेजेस, ये 20 स्टेजेस तक जो है वो सारे के सारे जितने भी हमने काम किए होंगे, जितने भी एक्शंस परफॉर्म किए होंगे, उन सबको ये सेव करके रखती है हिस्ट्री पैलेट, ठीक है। अब यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो हमने इसके ऊपर जितने भी काम किए ना, ये है देखो हिस्ट्री पैलेट, तो यहाँ पे हर एक काम सेव हुआ। अगर हमने अंडू करना हो ना, तो अंडू कंट्रोल जेड से नहीं करेंगे, यहाँ से कर सकते हैं, ये हर एक काम जो हमने जितने भी एक्शंस परफॉर्म किए हैं यहाँ पे, यहाँ से हमने करना शुरू किया था, ये देखो, फिर यहाँ पे आए, फिर ये काम किया, यानी कि पूरी की पूरी हिस्ट्री को ये स्टोर करके रखता है, फिर ये काम किया, फिर ये काम किया, ठीक है। यानी कि मान लो हमने गलती से कुछ यहाँ पे डिलीट कर दिया, ये तो बड़ी बड़ी इमेजेस पे जो हम काम करते हैं ना एडिटिंग का, उस केस में यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है फिर हिस्ट्री पैलेट की। यहाँ पे हमने जितने भी एक्शन परफॉर्म किए होते हैं उससे हम इसमें सीधा वहाँ पे जंप कर जाते हैं जहाँ पे हमने हमारा जो भी कलर है, हमने हमारा जो भी काम जहाँ तक सही हुआ होगा हम सीधा जंप कर सकते हैं उस काम पे, ठीक है। अगर जो चेंजेस हमें चाहिए वो हमने यहाँ पे रख लेनी है, जो नहीं चाहिए उनको अंडू भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, हिस्ट्री पैलेट के अंदर। तो ये हिस्ट्री पैलेट का काम। चलिए अब चलते हैं लेयर्स के ऊपर। द लेयर पैलेट इज यूज्ड व्हेन वी रिक्वायर मल्टीपल लेयर्स फॉर इमेज और ईच ऑब्जेक्ट ऑन फोटोशॉप सीएस डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब लेयर पैलेट का मैंने आपको पेज मेकर में भी बताया था कि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए हम अलग अलग से लेयर
यूज कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन एडोब फोटोशॉप में एक फैसिलिटी ये है कि हम जितने भी काम करते हैं ना ऑब्जेक्ट के ऊपर, यहाँ पे हमें लेयर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली लेयर्स बनती जाती हैं इसके अंदर। मैं ये आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, ठीक है। अगर लेयर्स बनी होंगी ना तो वी कैन हाइड, डिस्प्ले, एड डिलीट लेयर्स एज रिक्वायर्ड। तो जो भी ऑब्जेक्ट हमने जितने काम किए होते हैं ना ऑब्जेक्ट के जरिए, तो उन ऑब्जेक्ट को अगर हम, हमें जो चाहिए होता है उसको हम रख सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, हाइड करना है तो हाइड कर सकते हैं, या फिर ऐड करना हो, डिलीट करना हो लेयर्स को, ये काम भी हम लेयर्स को ऐड और डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। द वेरियस ऑप्शंस ऑफ लेयर्स आर, लेयर्स के लिए जो भी अलग अलग ऑप्शंस हैं यहाँ पे, लेयर विजिबिलिटी, एक लेयर विजिबिलिटी का है। द आई शोज इन द सिलेक्टेड लेयर कैन ऑन फॉर सी एंड कैन ऑफ टू हाइड। अब जो लेयर पैलेट के अंदर जो आई आइकन बना हुआ है, अगर हम उसको ऑन करते हैं तो के जरिए हम देख सकते हैं, अगर ऑफ कर दे तो हाइड हो जाता है, ठीक है। ऑन और ऑफ करना, सी एंड हाइड करना, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये ऊपर था नेविगेटर पैलेट, नीचे कलर स्विच, स्टाइल पैलेट, ये हिस्ट्री पैलेट है, ठीक है। नीचे आ गया ये देखो लेयर पैलेट, यहाँ पे मैं इनको कर देता हूँ क्लोज, तब आपको ये अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। यहाँ पे ले लेता हूँ मैं नया पेज, ओके, ठीक है। अब देखो ये है लेयर, ठीक है। अब ये जो लेयर है यहाँ पे आ रही है सिंगल, जैसे मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ तो ये देखो एक और लेयर अपने आप ऑटोमेटिक बन गई, यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम यहाँ पे गए और नया लेयर ऐड किया, ठीक है। ये देखो अपने आप जैसे ऑब्जेक्ट बन रहे हैं तो ये सारे के सारे जो हैं वो लेयर्स बन रही हैं, और हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग लेयर है, तो हर एक ऑब्जेक्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं लेयर से। ये है आई, आई ऑन एंड ऑफ, ठीक है। आई अगर यहाँ पे विजिबल है तो ये इसका मतलब कि ऑन है, ये जैसे हमने क्लिक किया तो ये ऑफ हो गया, यानी कि हर एक लेयर जो यहाँ से कंट्रोल हो रही है, ठीक है। लेयर विजिबिलिटी, द आई शोज इन द सिलेक्टेड लेयर कैन ऑन फॉर सी, ऑन जो है वो सी के लिए है और ऑफ जो है वो हाइड के लिए, ठीक। उसके बाद चलते हैं बी पे, लेयर लॉकिंग ऑप्शंस। द लेयर लॉकिंग स्क्वेयर ऑप्शन इज यूज टू लॉक द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द लेयर, ठीक है। अब जो लेयर का जो लॉकिंग स्क्वेयर ऑप्शन है ये यूज होता है लेयर की ट्रांसपेरेंसी को लॉक करने के लिए, ठीक है। अब ट्रांसपेरेंसी क्या होती है ये आपको बताता हूँ मैं, यहाँ इसको मैं कर देता हूँ अंडू, इनकी वापस चले जाते हैं न्यू पे। ये देखो यहाँ पे ये लॉक है ना, अगर मैं इस लेयर के कुछ एक पार्ट को डिलीट करना चाहूँ ना, मैं यहाँ पे पहले ये ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। ये है सिलेक्ट टूल, इसके लिए ये पोर्शन मैंने सेलेक्ट किया, मैं चाहता हूँ मैं इसको डिलीट करना, ये मैंने कीबोर्ड से डिलीट की दबाई, तो ये बोल रहा है कि कुड नॉट कम्प्लीट योर रिक्वेस्ट बिकॉज द कंटेंट ऑफ द लेयर इज नॉट डायरेक्टली एडिटेबल, क्योंकि हमारी लेयर जो है वो है यहाँ पे लॉक, ठीक है। जैसे मैं इसको यहाँ पे अनलॉक कर देता हूँ, डबल क्लिक किया और ओके किया तो ये होगी अनलॉक। अब देखो मैं यहाँ पे डिलीट बटन दबाता हूँ तो इसके जो भी ट्रांसपेरेंसी पिक्सल जो है, इसके जो बैकग्राउंड के जो ट्रांसपेरेंसी पिक्सल है वो नजर आ रहे हैं, ठीक है, अनलॉक करके। तो कहने का मतलब ये है कि द लेयर लॉकिंग ऑप्शन, स्क्वेयर ऑप्शन जो है यूज टू लॉक द ट्रांसपेरेंसी, ये है यहाँ पे, ये लॉक द ट्रांसपेरेंसी, ये ठीक है, ये ट्रांसपेरेंसी को लॉक कर देगा, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको अनलॉक करना पड़ता है ताकि इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो विजिबल हो जाए, ठीक है। ये इसकी ट्रांसपेरेंसी, इसके ऊपर हम जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना वो कभी भी सिंगल वही ऑब्जेक्ट जो है वो हमें फिर बाद में नजर आता है, ये बैकग्राउंड का जो पोर्शन होता है ये ट्रांसपेरेंट होता है, ये नजर नहीं आता है। तो इन चीजों की क्या जरूरत पड़ेगी हमें आगे एडोब फोटोशॉप में, ये आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा, ठीक है। क्या फिलहाल यहाँ पे ये समझ लो कि इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो यहाँ ये है स्क्वेयर ऑप्शन जिससे लॉक होती है, ठीक है। इसको मैं फिर वापस कर देता हूँ न्यू के ऊपर, ये देखो ये स्क्वेयर, इसको स्क्वेयर को इनेबल करने के लिए हमें पहले यहाँ पे यहाँ से इसको लेयर को अनलॉक करना पड़ता है, ठीक है। फिर ये काम करता है ये दोबारा, ये देखो, ठीक है, यहाँ से लॉक और यहाँ से अनलॉक, इसको मैं कर देता हूँ अनलॉक। द ब्रश आइकन इज यूज टू लॉक द इमेज, अब बोल रहे हैं कि ये जो ब्रश आइकन है ये इमेज को लॉक करने के लिए, ये देखो ये होगी इमेज लॉक, ये इमेज को लॉक करने के लिए। एक और इमेज ले लेता हूँ मैं यहाँ से न्यू की बजाय, मैं कोई यहाँ पे पिक्चर ओपन कर लेता हूँ, ओपन से ये पिक्चर है, इसको मैं कर रहा हूँ यहाँ पे ओपन,
ठीक है, ये देखो यहाँ पे अभी ये लॉक है, ठीक है। पहले तो मैं इसको कर लेता हूँ लेयर को अनलॉक। अब ये ऑप्शन जो है वो काम कर रही है। अब मैं इसको ब्रश को यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ क्लिक, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो रहे हैं, लेकिन मान लो हमने इसके ऊपर काम करना है कोई, तो ये तो है ब्रश यहाँ पे लॉक, क्योंकि एडिटिंग जो है वो नहीं कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। अब बात करते हैं, ये होता है इसको चलते, इसको हम देखते हैं यहाँ पे, द एरो आइकन इज यूज टू लॉक द पोजिशन। अब ये जो एरो आइकन है, ये लेयर, ये जो है ना इमेज, इसकी पोजिशन को लॉक कर देता है ये। पहले तो हम इसको अनलॉक कर लेते हैं पहले यहाँ पे, यहाँ से इसको मैंने ब्रश हटा लिया, ब्रश को हटा लेते हैं यहाँ से, ठीक है। अब इस अब देखो पहले तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ये देखो ये जो इमेज है ना, हम मूव कर पा रहे हैं अभी, ठीक है। इसकी पोजीशन जो है हम चेंज कर सकते हैं अभी, लेकिन जैसे यहाँ से हम स्क्वेयर एरो को क्लिक करते हैं तो इसकी जो पोजीशन है वो लॉक हो जाती है, ये मूव नहीं हो पाई, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट हमने इसके ऊपर ड्रॉ किया होगा वो भी मूव नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसकी पोजीशन जो है वो है लॉक। और लास्ट में इसका ये लॉक वाला ऑप्शन डी, द लॉक आइकन इज यूज टू लॉक ऑल द ऑप्शंस। अब ये जो लास्ट वाला जो लॉक ऑप्शन है, पूरे के पूरे जितने भी ये स्क्वायर है, ये ब्रश है, ये पोजीशन वाला आइकन है, इन सबको ये लॉक कर देता है, सबको लॉक कर देता है ये, ठीक है। ये लॉक है सबके लिए, ओवरऑल लॉक। चलो आगे चलते हैं सी पार्ट पे, लेयर ब्लेंडिंग मोड। ब्लेंड करना मतलब मिक्सिंग करना। द लेयर ब्लेंडिंग मोड इज यूज टू ब्लेंड द लेयर पिक्सल विद अंडरलाइन पिक्सल। अब ये जो लेयर का जो ब्लेंडिंग मोड है, ये यूज होता है लेयर के पिक्सल्स को मिक्स करने का विद अंडरलाइन पिक्सल्स। लेयर के जो फ्रंट वाले जो पिक्सल्स हैं उनको अंडरलाइन पिक्सल, जो इसके अंदर वाले पिक्सल्स हैं, इनके साथ इनको मिक्स कर देता है ये लेयर ब्लेंडिंग मोड जो है। बी कैन क्रिएट अ वेराइटी ऑफ स्पेशल इफेक्ट विद दिस ऑप्शन। कह रहे हैं कि इस ऑप्शन के जरिए हम तरह तरह के इफेक्ट्स जो है वो इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं, इमेज के ऊपर क्रिएट कर सकते हैं। टू ओपन लेयर ब्लेंड मोड, क्लिक ऑन राइट कॉर्नर एरो ऑन द लेयर पैलेट, ठीक है। तो लेयर ब्लेंड मोड को अगर हमने ओपन करना है तो हम क्या करेंगे, जो राइट कॉर्नर है, राइट कॉर्नर में जो एरो बना हुआ है उसके ऊपर करेंगे क्लिक, ठीक है। ये देखो यहाँ पे किया मैंने क्लिक, और ये है, इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पे लॉक सारा, ठीक है। ये अनलॉक हो गया। अब इस एरो पे करूँ मैं क्लिक, ब्लेंडिंग ऑप्शंस, ये देखो यहाँ पे आ गई इसकी ऑप्शन जो है, ये देखो जो लेयर के जो पिक्सल्स है ना उनको ये मिक्स कर रहा है, इसके जो अंडरलाइंग पिक्सल्स है, अंदर वाले जो पिक्सल्स हैं, ठीक है, तो उनसे कर रहा है इसको ये। ये जरूरत पड़ती है हमें आगे, अगर हमने इफेक्ट्स डालने होते हैं इमेज के अंदर, ये बात की चीज है, पहले इन चीजों को समझ लेते हैं, ठीक है। ओके, ये वाला काम जो हम यहाँ से भी कर सकते हैं, बाहर से ओपेसिटी या फील होती है, ठीक है। ये वाली चीजें, ये सारी की सारी ब्लेंडिंग, ब्लेंड करना मतलब मिक्सिंग करना, ठीक है, पिक्सल की मिक्सिंग करना आपस में। उसके बाद है डी, डी और ई, ये चीजें जो है हमने अभी की ब्लेंडिंग वाली, सेम वही है। फिल, वाई टाइपिंग ए वैल्यू और ड्रैगिंग द स्लाइडर वी कैन स्पेसिफाई द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द कलर ऑफ द इमेज और ऑब्जेक्ट। ये जो फिल वाली ऑप्शन है ना, यहाँ पे भी हम वैल्यू एंटर करके या स्लाइडर को ड्रैग करके जो है जो ट्रांसपेरेंसी ऑफ द कलर ऑफ द इमेज है, यानी कि इमेज के जो कलर की जो ट्रांसपेरेंसी है उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं, चाहे इमेज है चाहे वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे है ये ऑप्शन वाली, फिल वाली ये, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे हम बाई स्पेसिफाइंग द वैल्यू कर सकते हैं ना, और सीधा यहाँ पे स्लाइडर भी आ रहा है, तो ये देखो सेम वैसे इफेक्ट डाल रहा है ये भी। तो ये फिल है और साथ में ओपेसिटी भी, ओपेसिटी भी सेम वैसे ही काम करती है। ये धीरे धीरे जैसे हम इनका यूज करेंगे अपने प्रोजेक्ट के लिए, तब आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो फिल और ओपेसिटी यहाँ से, और ब्लेंडिंग वाले जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ से। उसके बाद है लेयर लॉक, द लेयर लॉक ऑप्शन डिस्प्ले व्हेन लेयर इज लॉक्ड और डिसअपीयर। जब जो लेयर का जो लॉक ऑप्शन है वो डिस्प्ले होता है व्हेन लेयर इज लॉक्ड, जब लेयर जो लॉक होती है, ठीक है। बाय डबल क्लिक ऑन दिस आइकन वी कैन अनलॉक द लेयर। देखो ना
जैसे हम नई पिक्चर ओपन करते हैं ना, तो ये जो लेयर वाली जो सारी की सारी जो ऑप्शंस होती हैं वो होती हैं लॉक। जैसे मान लो हम यहाँ पे एक पिक्चर ओपन करते हैं, जैसे ये वाली पिक्चर है, ठीक है। ये देखो शुरू में जैसे हम ओपन करते हैं तो ये लेयर होती है लॉक, जैसे हम डबल क्लिक करते हैं ना तो हो जाती है ये अनलॉक। यहाँ पे हम लेयर का नाम भी रख सकते हैं, ये ओके किया, ये देखो अब हो गई ये अनलॉक। अब इसके ऊपर अच्छे से काम कर सकते हैं हम लेयर के ऊपर, तो ये है लेयर लॉक ऑप्शन, ठीक है। जी है लेयर ऑप्शन मेन्यू, द लेयर ऑप्शन मेन्यू ऑन द राइट टॉप ऑफ द लेयर पैलेट अलाउ यू टू क्रिएट न्यू लेयर, डुप्लीकेट लेयर, डिलीट लेयर, लेयर प्रॉपर्टीज एटसेट्रा। अब ये जो लेयर ऑप्शन मेन्यू जो है वो है राइट कॉर्नर, राइट टॉप ऑफ द लेयर पैलेट, ये राइट टॉप ऑफ द लेयर पैलेट यहाँ पे है। इसके अंदर न्यू लेयर, डुप्लीकेट लेयर, डिलीट भी कर सकते हैं हम लेयर को, ठीक है। अब देखो पहले तो हम यहाँ पे लेयर्स बना लेते हैं, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट लिया, यहाँ पे ड्रॉ किया, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रॉ किया, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्रॉ किया, ये हो गए मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये सारे के सारे फंक्शनल हो गए। मान लो एक और लेयर लेनी है यहाँ से, वैसे तो हम ऑब्जेक्ट ड्रॉ करें तो ऑटोमेटिक बन रही है, लेकिन मान लो एक ट्रांसपेरेंट लेयर लेनी है तो उसके लेयर को हम यहाँ से ले सकते हैं, यहाँ से, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो गलती से बन गई ये लेयर, कोई लेयर नहीं चाहिए, ठीक है, तो इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे इस पे क्लिक किया और डिलीट लेयर, यहाँ पे भी ऑप्शन है डिलीट के नीचे भी, डिलीट लेयर, ठीक है। तो डिलीट लेयर, तो ये लेयर को कर देगा डिलीट, ठीक है। तो ये है लेयर ऑप्शन मेनू। तो आज के लिए इतना ही काफी था, कल फिर नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, तब तक सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय हिमाचल।